हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड करनी है आपकी 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 +1/4 इंटू 2/5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। अब देखो, रीअरेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो हम इस वाले स्टेप को जहाँ भी प्लस माइनस हो वहाँ से आपने स्टेप उठानी है, उसको हम इसके साथ ले आएंगे। ठीक है, तो करते हैं हम पहले इसको रीअरेंज। क्या लिखेंगे, 2/5 इंटू 3/-7। यहाँ पर माइनस है, अगली स्टेप चालू हो गई, तो हमने कौन से स्टेप उठानी है, ये वाली, जहाँ से हमने इसको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे +1/14 इंटू 2/5। क्या बचा था हमारा बेटा, ये हमने हिस्सा छोड़ दिया था ना, तो इसको हमने पीछे लिख देना है, 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब देखो हमें कॉमन क्या लेना है, 2/5, 2/5 यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं। क्या लिया हमने कॉमन, 2/5। ठीक है, 2/5 कॉमन लिया। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा है, अब इस स्टेप में आपका 3/-7 बचा है, तो हमने यहां पर क्या लिखना है, 3/-7। उसके बाद प्लस यहाँ आप क्या बचा है आपका, 1/14। 2/5 तो आपको क्या हो गया, कॉमन निकल चुका है। अब आगे आपके पास ये स्टेप बची हुई है, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, 14, और ये माइनस जो है ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 7 × 2 = 14 और 2 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, इस को इससे डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 14 को 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। 2 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर की, 3 × 2 = कितना आ गया, 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -6, क्योंकि हमने इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर किया है। ठीक है, प्लस, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रखना है। ठीक है, 14 से 14 को डिवाइड किया, 1 आ गया, तो ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस। अब इसको सॉल्व कर दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्या बच गया आपका, 1/2 × 2 = 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2/5। अब बेटा यहाँ क्या, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 को हमने माइनस किया, कितना आ गया, 5। अब डिजिट कौन सी हमारी बड़ी, 6 बड़ी है ना, तो यहाँ पर हमने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का, और नीचे क्या आ गया आपका, 14, -1/4। अब देखो बेटा, यहाँ पर कटिंग हो रही ना, इस 5 की 5 से कट हो गई, यहाँ पर 2 × 1 = 2, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 × 7 = 14। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारा -1 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा है हमारा, 7, माइनस क्या बचा है हमारे पास, 1/4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखना था बेटा, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी हमने यूज़ की ना इस जगह पे, तो आपने यहाँ पर भी लिख लेना, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं। क्या लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी यूज़ की इसको कॉमन लेके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है हमारा -1/7 -1/ क्या बचा है हमारे पास, 4, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, 7 को 28 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 4। 4 की -1 से मल्टीप्लाई की, तो क्या आ गया, -4। -4 की डिवाइड की 28 से, तो कितना आ गया, 4 × 7 = 28। 7 की 1 से मल्टीप्लाई की, तो आपका क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया, 11। बड़ी डिजिट किस में है, माइनस में, यहाँ पे बड़ी डिजिट माइनस में, तो हमने क्या लगाना है, माइनस, नीचे क्या आ गया आपका, 28। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। आपको राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसका एडिटिव इनवर्स करना है।
तो आपने इंट्रोडक्शन अगर पार्ट अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, ठीक है। सपोज आपको जो रैशनल नंबर दिया हुआ है ए अपॉन बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको एडिटिव इन्वर्स हमने क्या करना था, सिर्फ साइन को चेंज करना है और बाकी वैसे ही, ये हमारा पॉजिटिव में तो उसको हमने क्या कर देना नेगेटिव में। इट मीन्स क्या होता है बेटा, ए अपॉन बी, और अगर हम इसको इसमें ही क्या कर दें, प्लस कर दें, तो इस तरीके से ए अपॉन बी, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। तो इसमें आपने सिंपल ध्यान रखना है कि अगर आपको जो रैशनल नंबर है पॉजिटिव दिया है तो उसको नेगेटिव कर देना, और अगर नेगेटिव दिया तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2/8 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको एडिटिव इन्वर्स करना है। तो सिंपल आपको पता लग गया एडिटिव इन्वर्स में आपको क्या कर देना है, इसको यहाँ पर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, -2/8, यहाँ पर -5/9 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/9, ठीक है, माइनस का साइन हट जाएगा, -6/5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 6/5, यहाँ पर आपका 2/-9 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/9। नेक्स्ट आपका है 19/6, -6 है इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 19/6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।